दोस्तों हमारे गिववे का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में भी आपसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी वीडियो से लिया होगा, जिसका सही आंसर आपको अपने पेटीएम नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना होगा और विनर को हमारे चैनल की तरफ से 50 रुपये पेटीएम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है अपने पेटीएम नंबर के साथ @ लिखकर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि सैंड में बल्किंग क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो आप लोगों को एज ए गुड सिविल इंजीनियर जरूर पता होना चाहिए। तो जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए यूजफुल है और यूजफुल जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए। और साथ ही साथ आप हमारे माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के व्हाट्सएप और फेसबुक सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब ड्राई सैंड मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है तो एक थिन फिल्म सैंड पार्टिकल के चारों तरफ फॉर्म्ड हो जाती है, जिससे सैंड पार्टिकल इस मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं, जिससे सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इसी एक्सपेंशन को सैंड बल्किंग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब बल्किंग ऑफ सैंड टोटली डिपेंड करती है मॉइस्चर पर। जितना मॉइस्चर बढ़ता है उतनी ही बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज होती है। तो यह पाया गया है कि वेट करके अगर 4% मॉइस्चर कंटेंट ड्राई सैंड में ऐड कर दिया जाए तो सैंड लगभग 25-30% वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है, जो सैंड के ग्रेड पर भी डिपेंड करता है। मीन्स ज़्यादा फाइन सैंड पार्टिकल्स में ज़्यादा मात्रा में बल्किंग होती है, पर अगर इसमें दोबारा पानी मिलाया जाए तो जो सैंड पार्टिकल्स के चारों ओर थिन फिल्म बनती है वह ब्रेक हो जाती है, जिससे सैंड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि मान लो कि अगर सैंड में वाटर क्वांटिटी 20% से ज़्यादा हो या सैंड को पूरी तरह से पानी में इमर्स्ड कर दिया जाए तो इस सैंड का वॉल्यूम सेम ही होगा ड्राई सैंड के वॉल्यूम के जितना। ओके फ्रेंड्स, इस बल्किंग ऑफ सैंड के कारण जब हम नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट तैयार करते हैं बाय वॉल्यूम, तो हम आमतौर पर 1.52 क्यूबिक मीटर की कैलकुलेशन लेते हैं एक क्यूबिक मीटर मटेरियल को अचीव करने के लिए, जिस पर मैं पहले ही डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं कि 1.54 क्या होता है कंक्रीट कैलकुलेशन में। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं। तो कंक्रीट की बैचिंग करते हुए हम सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ज्यादा सैंड ऐड करते हैं, क्योंकि सरफेस मॉइस्चर के कारण कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग के चांस बढ़ जाते हैं, जो डायरेक्ट कंक्रीट के वॉल्यूमेट्रिक मिक्स प्रोपोर्शन पर इफेक्ट डालते हैं और इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा, इससे कंक्रीट स्टोनी लगती है, जो सिग्रीगेशन के चांस बढ़ा सकती है। तो सैंड में मॉइस्चर की ज़्यादा मात्रा कंक्रीट को लेस ड्यूरेबल बनाती है और इसकी स्ट्रेंथ कम करती है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ज़्यादा वर्केबिलिटी इंक्रीज होने से कंक्रीट का सेटिंग टाइम तो इंक्रीज हो जाता है पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये बल्किंग ऑफ सैंड ग्राफ्स का एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसे ऐसे ही चार्ट के थ्रू कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितना मॉइस्चर सैंड पर कितना इफेक्ट डालता है। तो नंबर वन, हमेशा 5% से कम मॉइस्चर कंटेंट सैंड को ही कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। नंबर टू, अगर यह मॉइस्चर कंटेंट 6-10% हो तो थिन फिल्म ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और वॉल्यूम रिड्यूस होना। इसके बाद अगर सैंड दोबारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है तो कोई बल्किंग नहीं होती। और नंबर तीन, के अगर यह मॉइस्चर कंटेंट 5-10% तक हो तो 20-40% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये तो आप समझ गए कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है। अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड कैलकुलेट करने का एक इजी फील्ड मेथड है, जिसे हमें IS 2386 कोड के मुताबिक ही करना चाहिए, जिसमें हम सैंड ग्रेन्स के बिहेवियर को फाइंड करते हैं डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट के साथ। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें अपरेटस चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, एक 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर, कंटेनर, स्टील रोड 6 mm डायाकी और सैंड का सैंपल। तो सबसे पहले 250 ml कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर लें, फिर उसमें अपने डैम्प सैंड का सैंपल डालें और सैंड को 200 ml तक भरकर इसे अच्छे से सेक करें और इसका लेवल रिकॉर्ड करके, मान लो ये रिकॉर्ड लेवल हमने माना A। अब सिलेंडर में 100 ml वाटर डालकर इसे अच्छे से हिलाओ ताकि सैंड वाटर में कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाए। फिर जब अच्छे से स्टीर करने के बाद सैंड का लेवल 200 ml मार्क तक आ जाए तो इसे B मानकर ये लेवल भी रिकॉर्ड करें
और ये सेम प्रोसीजर टू सैंपल के साथ रिपीट करें। बस अब बल्किंग ऑफ सैंड की परसेंटेज कैलकुलेट करें, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड का 200 माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। तो आपका इस ड्राई सैंड का एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, जो वॉल्यूम बल्किनेस के कारण इंक्रीज हुआ है, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सैंड में से सब्ट्रैक्ट करके। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही इजी मेथड होता है बल्किंग ऑफ सैंड कैलकुलेट करने का एज पर आईएस कोड 2386, जो आपको जरूर पता होना चाहिए एज ए गुड सिविल इंजीनियर। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी आपके और भाइयों के काम आ सके। तो चलिए फ्रेंड, जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।